हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल में आपका ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज में। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित विषय की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 79। सो ये वर्कशीट बेसिकली जो आपका बहुपद है उसका रिवीजन है। सो पहले भी 78 नंबर एक्सरसाइज भी हमने बहुपद पे ही की थी, तो हम दोबारा से इस एक्सरसाइज को और बहुपद के कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं इस एक्सरसाइज में, तो हम वन बाई वन करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए, इसमें दिया हुआ है यदि किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ दिए हुए हैं ये, सो इन सभी ग्राफों में आपके शून्यक निकालने हैं, ठीक है। शून्यक आपको मालूम है जो आपको x एक्सिस पे कट करें वो शून्यक होते हैं, ठीक है। तो वह शून्यक होता है जो x एक्सिस को काटता है। तो पहले ग्राफ में देखिए ये कहीं x एक्सिस को काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो इसका शून्यक जीरो होगा। अब ये देखिए ये कितनी बार x एक्सिस को काट रहा है दूसरे वाला पॉइंट, तो यहाँ पे ये आपको सिर्फ एक बार ही काट रहा है, तो इसका शून्यक होगा एक, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट में देखिए कितनी बार काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, दूसरा यहाँ काट रहा है, तीसरा यहाँ काट रहा है, तो इसके शून्यक हो गए आपके तीन। अब चौथे में देखिए एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, तो इसके शून्यक हो गए दो। इसमें एक यहाँ कट कर रहा है, एक एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, तो इसके शून्यक हो गए आपके बेसिकली चार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वन टू थ्री, तो इस सिक्स नंबर के हो गए शून्य तीन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर दो पे चलते हैं। यदि अल्फा और बीटा, ये आपका एक बहुघात दिया हुआ है, ठीक है, तो एक बहुपद दिया हुआ है बेसिकली, तो उसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो ये आपका एक बहुपद दिया हुआ है, तो अल्फा और बीटा उसके शून्यक, यहाँ से देखिए ए कितना हो गया, इसमें ए वन हो गया एक्स 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 स्क्वायर के साथ जो है, बी कितना हो गया पांच हो गया, और सी कितना हो गया आठ हो गया। आपको पता है जो शून्यक है उनका योग इसके बराबर होता है, ये आपको मालूम है, माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है यहाँ पे पांच है, ए कितना है वन है, तो माइनस पांच अपॉन वन, तो ये आपका माइनस फाइव, ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर टू का। अब क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए क्या दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है पी एक्स, पी एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो उसमें पी माइनस वन का मान निकालना है, मीन्स एक्स की वैल्यू यदि माइनस वन पुट अप कर देंगे तो ये पी एक्स ये इसका मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल इस एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट अप कर दीजिए, तो माइनस वन इसका स्क्वायर वन हो जाएगा, ये पुट अप करेंगे तो टू थ्री फाइव, ये दस आपका आंसर आ जाएगा सिंपल जमा करने से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री भी हो गया। आप क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं। एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा जो मान लो इसके शून्यक है उनका योग हम मान लेते हैं दिया हुआ है बेसिकली जीरो उनका योग है। तो आपको पता है शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए, उनका गुणनफल किसके बराबर होता है सी अपॉन ए, तो वहीं से अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा मतलब इनका गुणनफल किसके सी अपॉन ए के, वो दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ पांच, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ए सीधा सीधा आपका आ गया वन, ठीक है, और यहाँ से सी आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ फाइव, बी आ गया जीरो। तो बहुपद कैसे लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपको पता है जनरल इक्वेशन है बहुपद लिखने के लिए। ए की वैल्यू कितनी है वन है, बी की वैल्यू जीरो होगी, तो ये पूरी टर्म्स जीरो होगी आपकी, सी कितना है स्क्वायर रूट पांच है, तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर चार का। अब क्वेश्चन नंबर पांच पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच में दिया हुआ है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के दो मूल हैं, ठीक है, तो हमें वन प्लस अल्फा वन प्लस वन अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू ये निकालनी है हमें, ठीक है। एक बहुपद दिया हुआ है, तो पहले इसके देखिए ए कितना है इस बहुपद में, ए वन है, बी कितना है माइनस वन है, सी कितना है आपका माइनस चार है, ठीक है। तो ये आपके ए बी सी है, तो आपको ये देखिए अल्फा और बीटा इसके द्विघात, इसके बहुपद के द्विघात जो दो मूल हैं, तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना होता है, इनका समूह इनका योग कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, बी कितना है माइनस वन है, तो ये आपका वन हो जाएगा। इसका गुणनफल किसके बराबर होता है सी अपॉन ए, सी माइनस चार है, ए वन है, तो ये माइनस चार हो गया। तो अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा बीटा है और हमें ये निकालना है, तो यहाँ से ये हम अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, इनका एलसीएम अल्फा बीटा आ जाएगा और माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा भी हमें यहाँ से निकाल लिया है, अल्फा बीटा भी यहाँ से निकाल लिया, तो ये सब वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 15/4, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस
45 और शुनकों का अंतर का वर्ग 144 है, मतलब जो शुनक इसके मान लेते हैं अल्फा और बीटा है उनका जो अंतर है उसका स्क्वेयर कितना है 144 के बराबर है। तो हमें ये पी फाइंड आउट करना है, ये वाला पी। तो इस वाले द्विघात में इसमें ये देखिए ए कितना है द्विघात बहुपद में, ए 1 है, बी कितना है आपका पी है और सी कितना है 45 है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए माइनस पी, और इनका गुणनफल कितना हो जाएगा सी अपॉन ए 45 अपॉन ए। तो उनका अंतर का स्क्वेयर दिया हुआ है, तो ये स्क्वेयर यहाँ से स्क्वेयर रूट ऑफ दोनों तरफ लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा 12 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए गुणनफल दिया हुआ है अल्फा बीटा इक्वल टू 45, तो यहाँ से अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 45 अपॉन बीटा, तो यहाँ अल्फा की वैल्यू पुट अप कर देंगे 45 अपॉन बीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक और द्विघात बहुपद बन जाएगा। तो यहाँ से हम आपके जो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है ये निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपके जो शुनक निकालने का फॉर्मूला होता है, तो उससे हम बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बीटा की दो वैल्यू आएंगी, 3 और माइनस 15। अब यहाँ से इस वाले इक्वेशन से हम फिर अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, अल्फा की वैल्यू भी इसके अपोजिट आएगी 15 और माइनस 3। तो अब यदि ये देखिए अल्फा माइनस बीटा आपको 12 गिवन है, अब देखिए माइनस 15 में से यदि माइनस 3 घटाएंगे तो नहीं माइनस 18 आएगा, तो ये हमारी वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये शून्यक नहीं है। तो यहाँ से अब हम सिर्फ अल्फा की वैल्यू यदि 12 पुटअप कर देते हैं, अल्फा की वैल्यू 15 पुटअप कर देते हैं और बीटा की वैल्यू यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो आपके बराबर 12 के इक्वल हो गए। तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि हमारे पास जो अल्फा है वो 15 है और बीटा हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपने पहले माइनस पी दिया हुआ है, तो 15 प्लस 18 ये आपका पी कितना आ गया, आपका पी आ गया 18 वैल्यू आ गई आपकी पी की, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 में के का मान निकालना है, के निकालना है यदि एक द्विघात बहुपद ये मूल्य का योग उसके गुणनफल का आधा है, मतलब जो इसके ये आपके शुनक है उसके मूल है उनका योग जो है वो उसके गुणनफल का आधा है, ठीक है, इनका योग अल्फा प्लस बीटा उनका गुणनफल अल्फा बीटा उनका आधा है बटे 2 है, ये आपको दिया हुआ है और ये आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए बी कितना है इसका, बी माइनस 6 प्लस माइनस ब्रैकेट के प्लस 6 है बी, और सी कितना है ये वाला इसका सी है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, जो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस ऑफ माइनस के प्लस 6, तो ये के प्लस 6, इनका गुणनफल कितना हो जाएगा सी अपॉन ए 2 ब्रैकेट में 2 के प्लस 1, ये इसका गुणनफल हो जाएगा। अब ये हमें गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल है आपके इसके जो गुणनफल है उसके बाई 2, तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू पुट अप कर देंगे तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 5, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है आपका, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है, तो दर्शाइए अल्फा प्लस बीटा मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करनी है, ठीक है। तो ये आपको एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, तो यहाँ से ए कितना है आपको मालूम है, यहाँ से ए आपका 1 आ गया जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है, यहाँ से बी कितना आ गया माइनस बी आ गया, सी कितना आ गया ये आ गया माइनस बी प्लस सी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को पहले हम खोल लेंगे, एक द्विघात बहुपद की फॉर्म में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर फिर x की फॉर्म में और फिर कांस्टेंट की फॉर्म में लिख लेंगे पहले खोल के, तो वहां से एबीसी निकाल लेंगे हम। अब इनका योग कितना होगा, जो मूल है उनका योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, बी दिया हुआ है माइनस पी तो ये पी आ जाएगा, इसका गुणनफल कितना होगा अल्फा बीटा सी अपॉन ए, सी ये दिया हुआ है माइनस पी प्लस सी, ठीक है। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड देखिए जो प्रूफ करनी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस अल्फा गुना 1 प्लस बीटा, तो यहाँ से इसको खोल लेंगे तो ये आपकी खोलने के बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस ये आ जाएगा, तो ये क्या है आपको पी है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है सी अपॉन ए है और सी अपॉन ए और पी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ये हम पुटअप कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड के बराबर 1 माइनस सी के बराबर, तो ये हमारा यहाँ से सिद्ध हो गया है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है बच्चों।
अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दो द्विघात बहुपद दिए गए हैं, उनका मूल ज्ञात करना है, ठीक है। और जो आपका मूल और जो मूलों का गुणन जो गुणांक है उनका संबंध भी ज्ञात करना है, मूलों में गुणांकों का संबंध, क्यों जो मूल आएंगे और जो गुणांक है उनका संबंध आपको मालूम है, ये वाले संबंध होते हैं, तो ये भी आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसके मूल जो है अल्फा बीटा है, ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद है, तो यहाँ से इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर रूट ऑफ 15, तो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, एक प्लस की फॉर्म में एक माइनस की फॉर्म में। इस फॉर्मूला से माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास टी की दो वैल्यूज आ गई, ये क्या है आपके, ये आपके मूल है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये आपके शून्यक हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा जीरो हो जाएगा, अल्फा इसका योग कितना हो जाएगा जीरो, इसका गुणांक कितना हो जाएगा माइनस 15, ठीक है। और यहाँ से देखिए इस वाले में ए कितना है, ए इसमें 1 है, बी कितना एक्स, ये टी की कोई वैल्यू ही नहीं है तो बी 0 है, सी कितना है, सी माइनस 15 है, तो ये देखिए यहाँ से हम प्रूफ कर देंगे, माइनस बी अपॉन ए, बी है ही नहीं तो ये भी जीरो है, सी अपॉन ए, सी कितना है माइनस 15 है, जो हमारे इसका जो गुणांक है उसके बराबर है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का, हमारे पास एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसमें ए की वैल्यू देखिए 4 है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 4 है, और सी की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो आपके पास द्विघात बहुपद है इसके हम शून्यांक निकाल रहे हैं, शून्यांक निकालने के लिए इसको हम जीरो पुट अप कर देते हैं इक्वल टू, तो यहाँ से आपके दो शून्यांक निकल जाएंगे, दोनों की वैल्यू जो होगी 1/2 होगी, तो 1/2 अल्फा भी 1/2, बीटा भी 1/2, इन दोनों का सम कितना होगा 1 हो जाएगा, और यहाँ से जो गुणांक जो योग है जो शून्यांकों का योग है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, यहाँ से माइनस बी 4 है और ए भी 4 है, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, माइनस बी अपोन ए, बी हमारा माइनस 4 है, ठीक है। इसी तरह सी अपोन ए, सी अपोन ए आपका 1/4 है, तो इनका शून्यकों का गुणांक कितना हो जाएगा 1/4, तो इस तरह हमने प्रूफ कर दिया ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा दिया हुआ है एक द्विघात एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, 6x² - px - 3, ठीक है। उसका जो शून्यक है वो दिया हुआ है 3/2, इसका एक शून्यक दिया हुआ है, ठीक है। हमें दूसरा एक परस्पर समान एक दूसरा बहुपद है px² + x + k, ये इसके शून्यक परस्पर समान है, मतलब ये शून्यक और इसका शून्यक समान है, तो k का मान ज्ञात निकालना, तो k की वैल्यू निकालनी है हमें। तो सबसे पहले ये देखिए इसका शून्यक दिया हुआ है, तो इसको हम जीरो के इक्वल कर सकते हैं, x की वैल्यू 3/2 लिख सकते हैं हम, ठीक है, और इसको जीरो के बराबर लिख सकते हैं। शून्यक का मतलब ये होता है जो ये बहुपद को द्विघात बहुपद को जीरो बनाए वो शून्यक होता है, तो यहाँ से हमारे पी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, पी की वैल्यू 7 आ गई, तो यहाँ हम इस वाले दूसरे जो बहुपद दिया हुआ है उसमें हम पी की वैल्यू पुट अप कर देंगे, ये हो जाएगा 7x² + x + k, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ए कितना आ गया, ये हमारा 7 आ गया, बी कितना आ गया, बी 1 आ गया, सी कितना आ गया, के आ गया। अब देखिए बहुपद के शून्यक परस्पर समान है, मतलब एक अल्फा इक्वल टू बीटा है, दोनों शून्यक जो है वो समान है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, और बी कितना है 1 है, और ए कितना है 7 है, तो -1/7, दोनों सेम है तो 2 अल्फा लिख सकते हैं इसको, यहाँ से अल्फा आ गया -1/14, ठीक है, और बीटा भी -1/14 हो जाएगा, ये दोनों समान है। अब इनका गुणांक कितना हो जाएगा, अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू सी अपोन ए, सी कितना है हमारे पास के है, और ए कितना है 7 है, के अपोन 7 अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से आपको के की वैल्यू आ जाएगी 1/ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 7 × α², ठीक है। तो 7 अल्फा आपका कितना -1/14 है, तो यहाँ से 1/28 आपकी के की वैल्यू आ जाएगी, जो आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई, तो यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमारी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, और हमारी ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस एक्सरसाइज को सोल्व कर पाए, और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों।